गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बिल्डिंग विद ब्रिक्स क्लास फोर्थ की मैथमेटिक्स का चैप्टर करेंगे। हमने पेज नंबर 9 तक कर लिया था। 9 का एक क्वेश्चन रह रखा था बस, ये वाला। इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इजंट द जाली ऑफ दिस विंडो ब्यूटीफुल? इज इट मेड ऑफ थिन ब्रिक्स? हैव यू एवर सीन थिन ब्रिक्स? लुक अराउंड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो जाली है इस मकान की, विंडो की जाली, क्या ये सुंदर नहीं है? देखो ये, हाँ ये बहुत सुंदर है, क्योंकि देखिए जो ऐसे बारीक काम है वो आजकल आयरन से किया जा रहा है, लेकिन उस टाइम देखो ब्रिक्स से ये कितना अच्छा काम किया गया है। बहुत ही देखो डिज़ाइन भी बहुत अच्छा बनाया गया है इसमें ब्रिक्स से। ईंटों से डिज़ाइन बनाना बहुत मुश्किल काम है, और ऐसा बारीक काम करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो इज़ इट मेड ऑफ थिन ब्रिक्स? तो थिन का मतलब होता है पतली। हाँ ये पतली पतली ब्रिक्स से बनी हुई है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे, आंसर होगा हमारा यस, द जाली ऑफ दिस विंडो लुक ब्यूटीफुल। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पहले का आंसर हमारा और सेकंड का आंसर होगा हमारा यस, आई हैव सीन द थिन ब्रिक्स इन सम वेरी ओल्ड बिल्डिंग इन माय फादर हाउस। तो मैंने जो पतली ब्रिक्स देखी हैं वो मैंने अपने फादर के गांव में देखी है। नेक्स्ट यहां पर इस फोटो में कुछ ब्रिक्स दे रखी हैं, और इन ब्रिक्स के बारे में चार तीन क्वेश्चन हमसे पूछे हैं, तो हमें इनके आंसर बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कवर्ड एजेस? एजेस होते हैं कोने, एजेस होते हैं कोने। तो हमें पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस किन किन ब्रिक्स के कोने कर्वदार हैं। कर्व देखिए, मोस्टली जो ब्रिक्स होती हैं वो ऐसे एल शेप में होती हैं, ऐसा एजेस होता है कोना, तो उनका एल शेप में कोना होता है ऐसे। तो लेकिन यहाँ पर जो कर्व एजेस होता है, कर्व होता है ऐसे घुमावदार। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये एजेस हो जाएगी घुमावदार, और दूसरी सेकंड हो जाएगी ये दो। तो फर्स्ट को मैं ए नेम दे देता हूँ, सेकेंड को मैं नेम दे देता हूँ बी। तो हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर होगा ए एंड बी आर द ब्रिक्स विद कवर्ड एजेस। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक? तो लॉन्गेस्ट ब्रिक के हमें कितने फेसेस दिखाई दे रहे हैं? तो ये वाली लॉन्गेस्ट फिगर है, ये वाली लॉन्गेस्ट सबसे लंबी ब्रिक्स है, इसके हमें ये सबसे ऊपर वाला फेस दिखाई दे रहा है और यहाँ वाला फेस दिखाई दे रहा है। तो हमें कितने फेसेस दिखाई दे रहे हैं? हमें टू फेसेस दिखाई दे रहे हैं। उसका आंसर लिखेंगे हम, आंसर होगा वी कैन सी टू फेसेस ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक। हमें दो फेस, सबसे लंबी ईंट के दो फेस दिखाई दे रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इज देयर एनी ब्रिक विच हैज़ मोर देन सिक्स फेसेस? तो हमने पढ़ा था कि किसी कोई भी ब्रिक्स हो, सबसे ज़्यादा फेस सिक्स फेस ही होते हैं। किसी भी ब्रिक्स के हाईएस्ट फेसेस कितने होते हैं? सिक्स। आंसर होगा नो, देर इज नो ब्रिक विद मोर देन सिक्स फेसेस। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द साइज ऑफ ब्रिक, हैव यू सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस? यस, वी सी द डिफरेंट साइजेस ब्रिक्स। टेक वन ब्रिक एंड मेजर इट। तो हाउ लॉन्ग इज इट? हमारी जो ब्रिक्स थी वो 25 सेंटीमीटर लंबी थी। हाउ विड इज इट? उसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर थी।
हाउ हाई इज इट, उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर थी। आप भी किसी ब्रिक्स को लीजिए, उसकी मेजरमेंट यहाँ पर लिख सकते हो। मुनिया वांट्स टू मेक ए वॉल 1 मीटर लॉन्ग, हाउ मैनी ब्रिक्स विल सी सेंड टू पुट इन ए लाइन। मुनिया वांट्स टू मेक ए वॉल 1 मीटर लॉन्ग, हाउ मैनी ब्रिक्स विल सी नीड टू पुट इन ए लाइन। तो मुनिया ने 1 मीटर लंबी दीवार बनानी है उसे, तो हमें बताना है कि 1 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए हमें कितनी ईंटों की जरूरत होगी। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको दो तरीके से करवाऊंगा। एक तो आप आंसर इस सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको आंसर लिखना है तो ये सिस्टमेटिक तरीके से आप लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो सिस्टमेटिक तरीके से। तो अब मैं ये क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन आपको इस पेज पे करके दिखाता हूँ। तो जैसे हमें बनानी है 1 मीटर लंबी दीवार, दीवार बनानी हमें 1 मीटर लंबी दीवार, और हम लेट एज्यूम कर लेते हैं कि लेट जो ब्रिक्स की, जो ब्रिक्स की लेंथ है, ब्रिक्स लेंथ, लेट ब्रिक्स लेंथ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। तो हमें 1 मीटर लंबी दीवार बनानी है और हमारी जो ब्रिक्स की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है। तो एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी हम सोल्व करें तो जो भी चीजें हो वो एक मेजरमेंट में होनी चाहिए, या तो दोनों मीटर में हो या दोनों सेंटीमीटर में हो। तो पहला काम हमारा ये रहेगा कि दोनों की जो मेजरमेंट है वो सेम करें। तो हम मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो हमें 1 मीटर का ही निकालना है। तो यहाँ पे जो वाल की जो वाल लेंथ है, वाल लेंथ आ गई सेंटीमीटर में, वाल लेंथ सेंटीमीटर में आ जाएगी 100 सेंटीमीटर में, और एक ब्रिक्स की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है कि जो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड तो यहां पे आ जाएगा फॉर्मूला लेंथ ऑफ वॉल अपॉन में लेंथ ऑफ ब्रिक्स। तो लेंथ ऑफ वॉल है हमारे पास 100 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ ब्रिक्स है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। 25 से जब कट करोगे तो आपका आ जाएगा 4। तो हमें कितनी ब्रिक्स की जरूरत होगी, हमें 4 ब्रिक्स की जरूरत होगी। एक तो ये वे है आप इस क्वेश्चन को करने का। एक सेकंड वे ये है कि जब आप चेंज कर लो 1 मीटर को, आप 100 सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, और हमारे पास जो ब्रिक्स की लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। तो हमें ये मान लो कि हमें ये जो वाल है वो 100 सेंटीमीटर की बनानी है। इस वाल की लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर, कितनी है, 100 सेंटीमीटर की वाल हमने बनाई। तो हमने पहली ब्रिक्स रखी तो उसने कितना कवर कर लिया, 25 सेंटीमीटर। फिर हमने दूसरी ब्रिक्स रखी तो उसने कितना कवर कर लिया, 25 सेंटीमीटर। तो ये टोटल कितना कवर कर लिया, दो ब्रिक्स ने 50 सेंटीमीटर। फिर हमने थर्ड ब्रिक्स रखी, उसने कितना कवर कर लिया, 25 सेंटीमीटर। तो ये टोटल हो गया 75 सेंटीमीटर। और लास्ट वाली जब हमने रखी तो उसने भी कवर कर लिया 25 सेंटीमीटर। तो 20
5 प्लस हो के 100 सेंटीमीटर। तो आप काउंट कर लो कितनी ब्रिक्स होगी, 1, 2, 3, 4, कितनी ब्रिक्स होगी, 4 ब्रिक्स। आप जैसा चाहो उस तरीके से आप आंसर कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो आप, ये वाला भी। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो इसे हम चिमनी बोलते हैं, और इसी के अंदर ही हमारी ब्रिक्स बनती है, जिस ब्रिक्स पे हमारा पूरा चैप्टर है वो किस में बनती है, इस चिमनी में। ये बहुत ऊंची होती है, और इसका आंसर पूछा है, कैन यू गैस हाउ हाई इन द इज द चिमनी हेयर इज इट। तो ये जो चिमनी है उसकी हाइट पूछी है हमें, तो इसकी हाइट देखो, 5 मीटर तो बहुत छोटा होता है, 15 मीटर का तो हमारा 2 मंजिल का घर होता है, तो इसकी हाइट होगी 50 मीटर्स। कितनी हाइट होगी इसकी, 50 मीटर्स। आंसर होगा, द चिमनी शोन इन द पिक्चर इज अबाउट 50 मीटर हाई। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमें 4 फोटो दी गई है, और हमें ये 4 फोटो के आधार पर हमें ये जो ईंटें बनती है वो कैसे बनाई जाती है उसका क्रम हमें लगाना है, कि ईंटों का प्रोसेस कैसा होता है। तो ईंटों का प्रोसेस होता है पहले हमें ईंटों के लिए क्या चाहिए होती है, मिट्टी। तो सबसे पहले हमें ईंटों के लिए मिट्टी, फिर उसको मिट्टी को गीला करके हमें एक साँचे में डालना पड़ता है, तो सी के बाद आएगा डी, और फिर साँचे से निकाल कर उसे सुखाना पड़ता, साँचे से निकाल कर उसे ऐसे बनाई जाती है। पहले हमें मिट्टी चाहिए, मिट्टी से उसे साँचे में डालेंगे, साँचे से डालने के बाद उसे निकालेंगे, और फिर निकालने के बाद उसे सुखाएंगे। तो हमारा क्रम होगा C D B A, ये हमारा क्रम होगा। आंसर होगा, द करेक्ट ऑर्डर इज C D B A। नेक्स्ट, तो यहाँ पर एक ट्रक है, और हमें ट्रक में तो ट्रक दिख रखी है। लुक एट दिस फोटोज एंड गैस हाउ मैनी ब्रिक्स आर कैरिड द दिस ट्रक। तो हमें गैस करना है कि इस ट्रक में कितनी सारी ईंटें हैं इस ट्रक में। तो मैं गैस करता हूँ 10,000। आप गैस कीजिए कितनी ट्रक्स है। तो आल्सो फाइंड आउट फ्रॉम ए ट्रक ड्राइवर हाउ मैनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन वन ट्रक। और आप के घर के आसपास कोई ट्रक आए, कोई नया घर बने, तो उस ट्रक वाले भैया से आप पूछ सकते हो कि आपके ट्रक में कितनी ईंटें आती हैं। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कॉपी में करवाऊंगा, देखना वहां पे इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा करने के। ये क्वेश्चन है, ओल्ड ब्रिक्स का रेट है 1,000 ब्रिक्स का 1,200 रुपये, न्यू ब्रिक्स फ्रॉम इंतापुर 1,800 रुपये, न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद 2,000 रुपीज़, 100 ब्रिक्स के। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले का आंसर ये यहाँ से है, यहाँ से आप लिख सकते हो, ये आंसर आप अपनी कॉपी में लिखना है तो ये आंसर लिख लीजिए। इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। अब
हम समझते हैं इस क्वेश्चन को ही सेम को। इसको मैं दो तरीके से करवाऊंगा आपको। पहला समझते हैं हम, देखिए तो हमारे पास तो ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट, ये भजन डिसाइड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, ही ब्रॉट 3000 ब्रिक्स, हाउ मच डिड ही पे। तो ब्रिकाबाद का रेट क्या है, ब्रिकाबाद का रेट है रुपीज 2000 फ्रॉम फॉर 1000 ब्रिक्स। तो 2000 रुपए हैं 1000 ब्रिक्स का प्राइस ब्रिकाबाद का। तो अब हमें 1 ब्रिक्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो 1 ब्रिक कॉस्ट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी, 2000। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है, 1000। काटने पे हमारा आ गया 2। तो 1 ब्रिक कॉस्ट इज 2 रुपीज। अब नेक्स्ट है हमें 3, तो कॉस्ट ऑफ 3000 ब्रिक्स, तो 1 ब्रिक्स कॉस्ट इनटू में 3000, तो 1 ब्रिक कॉस्ट इज 2 एंड इनटू में 3000, टोटल आ जाएगा 6000। आपका आंसर आ जाएगा 6000। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अरे एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, यहां पे लिखते हैं हम ब्रिक्स और यहां पे लिखते हैं कॉस्ट। तो हमारा कॉस्ट है, ब्रिकाबाद का कॉस्ट है 2000 रुपीज फॉर 1000 ब्रिक्स। तो 1000 ब्रिक्स की कॉस्ट है 2000। तो नेक्स्ट हमें कितनी ब्रिक्स चाहिए, 3000। अभी हमारे पास 1000 ब्रिक्स है, उसकी कॉस्ट है 2000। तो 100 और प्लस कर देंगे तो कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, 2000। तो अब हमारे पास कितनी होगी, 2000 ब्रिक्स। हमें तो चाहिए 3000, तो 1000 और प्लस करनी पड़ेगी। तो 1000 और प्लस कर दो, तो 1000 और प्लस कर दी तो कॉस्ट कितनी प्लस हो जाएगी, 2000। और अब टोटल कर लो, 1000 प्लस 1000 2000 प्लस 1000 3000। अब कॉस्ट को भी प्लस कर लीजिए आप, 2000 प्लस 2000 4000 4000 प्लस 2000 6000। तो 3000 ब्रिक्स की कॉस्ट हो जाएगी हमारे पास 6000। 3000 की कॉस्ट हमारे पास हो जाएगी 6000। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, गैस व्हाट ही विल पे इफ ही बाय 500 ओल्ड ब्रिक्स। तो जो भजन है, अगर वो 500 ओल्ड ब्रिक्स खरीदता है तो उसे कितना पे करना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है सिस्टमेटिक तरीके से, आप इस तरीके से कॉपी में लिख सकते हो, ये बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से है, ये बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। और मैं इसको समझाता हूँ यहाँ पे हम समझाते हैं, मैं इसको दो वे से समझाऊंगा। पहले
जो हमारा वे है उससे समझाता हूँ मैं। फर्स्ट वे में हमें सबसे पहले तो हमें जो ओल्ड ब्रिक्स है उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो ओल्ड ब्रिक्स की जो कॉस्ट है वो है, ओल्ड ब्रिक्स की कॉस्ट देख लीजिए यहाँ पे से, ओल्ड ब्रिक्स की कॉस्ट है 1200 ऑफ 1000 ब्रिक्स। तो 1200 है रुपीज है 1000 ब्रिक्स के लिए, 1200 रुपीज। तो कॉस्ट है 1200 रुपीज ऑफ 1000 ब्रिक्स, ये हमारी कॉस्ट है ओल्ड ब्रिक्स की। अब यहां पर हम ओल्ड ब्रिक्स की कॉस्ट है हमारे पास, तो हम सबसे पहले करेंगे कि वन ओल्ड ब्रिक्स की कॉस्ट निकाल देते हैं। इसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो टोटल कॉस्ट है 1200 और टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है 1000 कितनी है 1000। जीरो से जीरो गया, इस जीरो की पॉइंट, तो 1.2 वन ओल्ड ब्रिक्स कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। वन ओल्ड ब्रिक्स कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास रुपीज 1.2 रुपी। अब हमें निकालनी है 500 ओल्ड ब्रिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होगा वन ओल्ड ब्रिक्स कॉस्ट इंटू 500। वन ओल्ड ब्रिक्स कॉस्ट इज 1.2 रुपीज, 1.2 रुपीज इंटू 500। इस पॉइंट की हटाने के लिए नीचे 10 हो जाएगा, 10 से 10 गई। अब 12 को 50 से इंटू करोगे तो 600 रुपीज, तो आपका आंसर क्या होगा 600 रुपीज। एक तो वे ये हो गया। अब सेकंड वे है आपका, यहां पे लिख लीजिए आप ब्रिक्स और यहां पे लिख लीजिए कॉस्ट। तो जो 1000 ब्रिक्स है उसकी कॉस्ट है 1200। तो अब हमें चाहिए 500 ब्रिक्स। अब अगर हम 1000 का हाफ करें तो हमें मिलेगा 5000। तो जैसे ब्रिक्स को हाफ किया तो उसकी कॉस्ट भी हाफ हो जाएगी, तो 1200 की हाफ हो जाएगी 600 रुपीज। तो हमें कितनी चाहिए थी ब्रिक्स, 500 ब्रिक्स ही चाहिए थी, और 500 की ब्रिक्स की कॉस्ट आ जाएगी 600 रुपीज। तो 500 की कॉस्ट आ जाएगी 600 रुपीज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो, अगर आपको इन सब रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई सी क्वेश्चन को आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप कमेंट करके बताइए। मैं आपको आपका व्हाट्सएप नंबर दूंगा, अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, और वहाँ पे आप डेली अपने डाउट्स पूछ सकते हो। धन्यवाद।